श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का बाबा भोलेनाथ के चैनल चुन्नू की रसोई एंड इंडियन कल्चर में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको जो भी ये सारी वीडियो आ रही हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से, ये आपको पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो आज हम लेकर के आए हैं श्री नंदीश्वर श्री शिव महापुराण कथा भाग 3 का सार, जिसमें गुरुजी ने आज हमें और नई बातें बताई कि नंदी महाराज बाबा भोलेनाथ से इतना दूरी पर क्यों बैठे मिलते हैं। इसके बारे में आज हम कथा में वर्णन करेंगे, जो कि सार में आप सभी के लिए लेकर के आती हूँ उसमें। लेकिन उससे पहले आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी के साथ मैं वीडियो को शुरुआत करती हूँ। तो हमने सबसे पहले कल की कथा में वर्णन किया था कि जो नंदी महाराज हैं जो हैं वह बाबा भोलेनाथ के सखा हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, गुरु हैं, मतलब सर्वस्व जो हैं नंदी महाराज जो बाबा भोलेनाथ के हैं। और उन्हीं के वजह से अगर बाबा भोलेनाथ आज मृत्यु लोक में हैं, तो एक कारण सिर्फ अगर हम कहें एक लफ्ज़ में तो वह नंदी महाराज ही हैं, कि उनकी वजह से ही बाबा आज मृत्यु लोक में निवास करते हैं। तो कल की कथा में वर्णन किया था कि कैसे नंदी महाराज ने एक छोटे से बछड़े का रूप लेकर के बाबा भोलेनाथ को, जो ब्रह्मा जी के हाथ से बाबा भोलेनाथ के हाथ से ब्रह्मा जी का सिर चिपक गया था, उसको छुटवाने में गोदावरी नदी के तट पर नासिक ले गए थे। और वहाँ पर जैसे ही बाबा के हाथ में जो गोदावरी नदी की जो बूंदें थीं, वो एक बूंद का स्पर्श होते ही ब्रह्मा जी का जो सर था, कपाल था, वह हट गया था और बाबा भोलेनाथ कपालेश्वर महादेव के रूप में वहाँ विख्यात हो गए थे। और जब वहाँ सामने बैठने के लिए जब आते हैं तब बाबा भोलेनाथ ने मना कर दिया था कि तुम यहाँ इस जगह मेरे साथ में नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें इस जगह पर अपना गुरु माना है और गुरु मेरे चरणों के सामने बैठे ऐसा उचित नहीं है। इसलिए बाबा के सामने नंदी महाराज वहाँ नहीं बैठे रहते हैं। तो चलिए आज की कथा का वर्णन करते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें सबसे पहले जो सीख दी है, वह एक सबसे मेन सीख है जिसको हमें हमेशा याद रखना ही चाहिए, कि कभी भी बड़े होकर के ना जिए। मतलब जो कहते हैं ना, एक इंग्लिश वर्ड है सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी टाइप से अगर हम हो जाते हैं, बड़े स्तर पर अगर हम पहुंच जाते हैं, तो हमें हर चीज़ में सामने वालों के जो भी खड़े हैं उसके सामने दिखावा करना पड़ता है। तो गुरुजी ने बताया कि हमेशा छोटे बन करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप कितने भी बड़े स्तर पर क्यों ना पहुंच गए हों, लेकिन बड़े स्तर पर भी पहुंचने के बाद हमें हमेशा ऐसा सामने वाले को भी प्रतीत कराना चाहिए कि हम जो पहले थे वो ही अब हैं, जो हम 13 साल से 19 साल की उम्र में थे वही हम आज की डेट में भी हैं। गुरुजी ने हमें ये एग्जांपल बताया था कि 13 से 19 साल तक का जो समय होता है एक व्यक्ति के जीवन का, वो उसे हमेशा याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम सभी के साथ में भी हुई होंगी कि हमें पहले कितनी डांट पड़ती थी कि चुप हो जा, हंस रही है, या कहीं पर भी हंसना चालू कर देती है, या कहीं पर भी हंसना चालू कर देते हो, कहीं समय नहीं देखते हो, या ज़्यादातर लड़कियों को बहुत लोग टोकते थे। तो वो एक समय था कि घर वाले टोकते थे, और आज का एक समय है कि हमें हंसी के लिए सिर्फ दिखावा करना पड़ता है। तो हंसी के लिए जो मुस्कुराहट है उसको कभी दिखावटी ना होने दें, उसको अपने लाइफ को, अपने जीवन को एकदम ऐसे जियो के बस यही हमारा जीवन है और इसी में हमें बाबा भोलेनाथ मिल गए, अब हमें और कुछ अपने जीवन में नहीं चाहिए, बस बाबा की भक्ति करना है और किसी से कोई मतलब नहीं रखना है।
जैसा आप सोच लेंगे, ऐसा आप अपने जीवन में ढाल लेंगे, तो आपको किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमेशा खुश भी रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कथा के बारे में। तो कथा में गुरुजी ने बताया कि एक समय था जिसमें मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ चौसर खेल रहे थे। जब वो चौसर खेल रहे थे तो नंदी महाराज ने मतलब एकदम से दावा करके बोला कि मेरे तो नाथ ही जीतेंगे, मैया आप उनसे नहीं जीत पाओगे। ऐसा करके वह बाबा भोलेनाथ के सपोर्ट में मतलब उनके लिए खड़े हो गए थे। तब जब चौसर का खेल पूर्ण हुआ तो उसमें मैया पार्वती विजय हुई थी। जब उनकी विजय हुई तो मैया पार्वती को गुस्सा आया नंदी महाराज पर, और नंदी महाराज से मैया पार्वती ने बोला कि नंदी, आप बाबा भोलेनाथ के सहयोग में, जब आपको कुछ पता ही नहीं था कि विजय किसकी होनी है, फिर भी आप उनके ही सपोर्ट में उनके लिए ही बोल रहे थे, और इतना बोल रहे थे पूर्ण भरोसे के साथ में कि आपके नाथ ही जीतेंगे। यह मुझे कदापि अच्छा नहीं लगा। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अपने स्वामी अपने गुरु से हमेशा दूरी बनाए रखेंगे और आप श्रापित होकर के रहेंगे। नंदी महाराज को ये श्राप मिला। तब नंदी महाराज ने बाबा भोलेनाथ से बोला कि मुझे श्राप दिया है मैया ने, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपसे दूरी बनाए नहीं रखूँगा, मैं उसके लिए स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं श्रापित होकर के आपके सामने रहूँगा वो मुझे स्वीकार नहीं है नाथ। हे प्रभु, हे दयालु, आप कुछ कृपा कीजिए कि मैं आपके साथ रहूं, सामने रहूं, पर मैं श्रापित होकर के ना रहूं। तब बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती से बोला, हे पार्वती, नंदी को इस श्राप से मुक्त करिए कि वो श्रापित होकर के कैसे रह सकते हैं मृत्यु लोक में। तब मैया पार्वती ने बोला कि मैं एक ही शर्त है मेरी, जब मैं इनको श्राप से मुक्त करूँगी, कि जब ये मेरे पुत्र गणेश को प्रसन्न कर देंगे, अगर ये गणेश जी को प्रसन्न कर देंगे तो उसी दिन मैं इनको श्राप से मुक्त कर दूँगी। तब बाबा भोलेनाथ ने नंदी से बोला कि नंदी, आपको गणेश जी को जो भी पसंद है वो सारी चीज़ें उनके सामने रख करके उनको प्रसन्न करना है, तब आप इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। तब नंदी महाराज ने गणेश जी की सारी सेवा की, अच्छा अच्छा खाना पिलाया, जो भी वो खाते थे मोदक वगैरह सारा पकवान बनवाए, अपनी पीठ पर घुमाते थे, गोदी में लेके आना सारी चीज़ें नंदी महाराज ने करना शुरू कर दिया, पर फिर भी गणेश जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए। जब नंदी महाराज के इतने प्रसन्न करने के बाद भी गणेश जी प्रसन्न नहीं हुए, तब एक दिन उन्होंने गणेश जी के लिए कुछ भी खाने के लिए लेकर के नहीं गए, और वह नंदी महाराज स्वयं जो घास वगैरह दूरवा जो होते हैं ना, जिसे घास बोलते हैं, वह अब खुद खाने लगे थे, पाने लगे थे। गणेश जी ने देखा कि नंदी अकेले अपना भोजन कर रहे हैं, वह आज मेरे लिए कुछ भी लेके नहीं आए। तब नंदी महाराज से गणेश जी ने पूछा कि आज का मेरा भोजन कहाँ है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, क्या आज आप मेरे लिए लेकर के नहीं आए हो। तब नंदी महाराज को गुस्सा आया कि मैं इतने दिन से खिला रहा हूँ, ये प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, ये प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं। तब नंदी महाराज ने गणेश जी को जो वो दूरवा जो घास वो खा रहे थे, तब जो नंदी महाराज ने वो दूरवा और घास को रख करके बोला कि ये लो खा लो, ये दूरवा घास जो मैं खा रहा हूँ तुम भी इसको पालो। तब ये सब देख करके गणेश जी महाराज ठहाका लगा के हंसने लगे, बहुत तेज प्रसन्न हो गए। तब बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती से बोला कि देखिए पार्वती, तुम्हारे पुत्र कितने ठहाका लगा के हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, अब आप नंदी को श्राप से मुक्त कर दीजिए। तब उस दिन मैया पार्वती ने नंदी महाराज को श्राप से मुक्त कर दिया, और जो नंदी महाराज हैं वो बाबा भोलेनाथ के जस्ट सामने या दूरी बना करके इसीलिए रहना तब से शुरू कर दिया। मैया पार्वती का श्राप था, इस वजह से नंदी महाराज में इतनी दूरियां बनी हुई थी। आगे वर्णन किया कि
जब मैया पार्वती अपने सती वाले रूप में थी, तब जब उनका विवाह हुआ था बाबा भोलेनाथ के साथ में, तब बाबा भोलेनाथ उनको कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए लेकर जा रहे थे। लेकर के गए तो कुंभज ऋषि ने उनको प्रणाम किया। या पार्वती के मन में आया कि कैसे गुरु हैं ये कि जो हमें देख करके प्रणाम कर रहे हैं, और कैसे पति हैं मेरे कि ये मुझे शादी के बाद कथा सुनाने के लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि शादी के बाद लड़कियों के मन में कहीं ना कहीं आता है कि हम कहीं अच्छी जगह घूमने जाएं या जो भी है, तो वो सारी चीज़ें मन में आती हैं। मैया सती के मन में भी आया। जब कुंभज ऋषि कथा सुना रहे थे और श्रवण कर रहे थे बाबा भोलेनाथ तो मैया पार्वती, तो बाबा भोलेनाथ के हृदय में आया कि मुझे तो अब राम के दर्शन करने हैं, श्री राम के दर्शन बहुत दिनों से नहीं हुए हैं, मुझे राम के दर्शन करने हैं। और मैया पार्वती या सती के मन में आया कि ऐसी कथा मुझे मेरे नाथ सुनाने के लिए लेकर के आए हैं, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं तो जल करके भस्म हो जाती। कुंभज ऋषि जो थे उनकी आंखें खुल गईं। तब बाबा भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि से पूछा कि क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि सती के मन में आया है कि वह जल के भस्म हो जाएं, तो वह भस्म होंगी ही। और यही वृतांत आगे चला था। और मैया सती अपने पिताजी के घर जा कर के अग्नि में उनको जलना पड़ा था, आत्मदहन करना पड़ा था। और बाबा भोलेनाथ के हृदय में आया था कि मुझे तो श्री राम जी के दर्शन करने हैं, तो उनको श्री राम जी के दर्शन हुए थे। जैसे ही वो कुंभज ऋषि के आश्रम से निकल के जा रहे थे, तो उनको कुंभज ऋषि के बाबा भोलेनाथ को राम जी के दर्शन हुए। ऐसा आज की कथा में गुरुजी ने हमें सारा वर्णन सुनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये, क्योंकि ये मेरी वीडियो तो है नहीं, ये बाबा भोलेनाथ की वीडियो है और बोलने वाले भी गुरुजी हैं, मैं तो सिर्फ सुनती हूँ और थोड़ा बहुत आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ। कराने वाले भी बाबा हैं, करने वाले भी बाबा हैं, देखने वाले भी बाबा हैं। और आप मेरे बाबा ने मुझ पर बहुत कृपा की है, जो इतना प्यार इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मेरे बाबा को कोटि कोटि प्रणाम है। उनके चरणों को मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं यहीं समापन करती हूँ इस वीडियो का। तो चलिए एक बार मेरे बाबा का ध्यान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। भूला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा जपूं तेरी माला, भूला सब दुख काटो मारा।